हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा नाइट टाइम स्किन रूटीन क्या है। शुरू करते हैं सबसे पहले हेयर बैंड से, बिकॉज बालों को कवर करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं सबसे पहले लगा रही हूँ क्लेंजिंग मिल्क, जो कि स्विस नेचुरल का है। क्लेंजिंग मिल्क के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि आपकी स्किन से जो भी एक्सेस डर्ट है, मेकअप है और जो भी इम्प्योरिटीज़ है उससे हटाता है। क्लेंजिंग मिल्क से आपका जो स्किन मॉइस्चर है वो भी बैलेंस रहता है, जिससे आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट और हाइड्रेटेड रहती है। करना सिर्फ यूँ है कि आपको क्लेंजिंग मिल्क लेना है और फिर इसे चेहरे पे अच्छे से मसाज करेंगे। नेक्स्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो BNB का फेस वॉश है। क्लेंजिंग मिल्क कर लिया, अब इसके बाद आपको अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करना है। मैं हमेशा रात को सोने से पहले फेस वॉश ज़रूर करती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता भी है कि मैं अगर क्लेंजिंग मिल्क यूज़ नहीं कर रही हूँ तो फेस वॉश तो मस्ट है। खाली पानी नहीं, फेस वॉश, प्रॉपर फेस वॉश यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब सोने जाते हो तो आपकी स्किन जो है वो रात को ड्राई हो जाती है, और उसे कवर करने के लिए आपको प्रॉपर फेस वॉश करना ज़रूरी होता है, जिससे आपकी स्किन जो है वो उसका नेचुरल मॉइस्चर वो मेंटेन रहता है और आपकी स्किन पे जो डेड स्किन सेल्स हैं वो भी हट जाते हैं। यहाँ मैं अब यूज़ कर रही हूँ डर्मी वी का मॉइस्चराइज़र। एक प्रॉपर फेस वॉश के बाद आपने अपनी स्किन को जो है वो हाइड्रेटेड रखने के लिए, मॉइस्चराइज्ड रखने के लिए एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन पे जो रिंकल्स हैं और फाइन लाइंस हैं वो रिमूव होते हैं। इससे आपकी स्किन हेल्दी होती है और रेडिएंट दिखती है। रात को सोने से पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ करने का सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इससे आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होता है। स्किन टेक्सचर अच्छी होगी तो आपकी स्किन जो है वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगी। मॉइस्चराइज़र के बाद मैंने यहाँ पे विटामिन ई ऑयल लिया है, जिससे क्या होगा आपकी स्किन पे जो भी स्कार्स होंगे या जो भी डार्क स्पॉट्स होंगे वो हट जाएंगे। विटामिन ई से आपका जो स्किन टोन है वो भी इम्प्रूव होता है और आपकी स्किन जो है वो और ब्राइट हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठते ही आपके चेहरे पे एक ग्लो आ जाए तो विटामिन ई ऑयल ज़रूर यूज़ कीजिएगा। विटामिन ई ऑयल के बाद मैं यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी स्किन का जो pH बैलेंस है उसे मेंटेन रखना है। अच्छा, pH बैलेंस यूजुअली वो चीज़ है जो आपकी स्किन के लिए हेल्दी है और आपकी स्किन पे एक्ने नहीं होती है। अच्छा, फेस की तो बारी ख़त्म हो गई, अब बारी आती है लिप्स की। फेस के साथ साथ लिप्स को हाइड्रेट भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लूब्रेक्स का मॉइस्चराइज़र। आज की वीडियो यहीं मैं ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।